हेलो फ्रेंड्स, फूडीज क्रिएशन बाय कीर्ति में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गट्टे की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो काफ़ी लोग इस सब्जी को बनाते हैं, लेकिन कई बार गट्टे सॉफ्ट नहीं बन पाते हैं, तो आज मैं आपके साथ थोड़े टिप्स और ख़ास इंग्रेडिएंट शेयर करूंगी, तो गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में एक कप बेसन, स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून हाथ से क्रश की हुई अजवाइन, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इन सब को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 4 टेबल स्पून घी का मोयन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे उंगलियों से। यहाँ घी का मोयन डालने से गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। मोयन को अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, इस तरह मुट्ठी बनाने पर यह बाइंड हो रहा है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच करीब गाढ़ा दही डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। यहाँ दही हमारा खास इंग्रेडिएंट है, इससे भी हमारे गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है और डो रेडी कर लेंगे। अब हाथ में थोड़ा ऑयल लगाकर डो को लंबा लंबा रोल करेंगे। अब इन रोल किए हुए गट्टे को हम उबलते हुए पानी में डालेंगे। और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक गट्टे उबलकर पानी के ऊपर ना तैरने लगे। देखिए, ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम ग्रेवी बनाने में यूज करेंगे। अब इन्हें ठंडा होने रख देंगे और छोटे छोटे पीस कर लेंगे। अब कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और इन गट्टे के पीसेस को हम गोल्डन कलर आने तक डीप फ्राई करेंगे। गट्टे रेडी हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। यहाँ कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी लिया है और साथ ही 2 से 3 चम्मच करीब ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होने पर 1 टेबल स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। यहाँ मैंने मीडियम साइज की प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक करके डाला है। प्याज को हल्का पिंक कलर आने तक पकाएंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 प्याज का पेस्ट बना लिया है और उसे ऐड किया है और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक हमारा ये मसाला ऑयल ना छोड़ने लगे। इसके बाद मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर मसाले को 1 से 2 मिनट भूनेंगे। फिर 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बनाकर डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से पकने तक भूनेंगे। ये देखिए, मसाला ऑयल छोड़ने लगा है।
इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे हमारा मसाला जलेगा नहीं। साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और आधा कप गाढ़ा दही ऐड करेंगे। दही को अच्छे से मसाले में मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को स्टार्ट कर देंगे। इससे दही ग्रेवी में फटेगा नहीं और अब इस मसाले को ऑयल छोड़ने तक भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और अब जो गट्टे का बचा हुआ पानी है उसे डालेंगे। और फिर एक उबाल आने पर गट्टे के पीसेस भी डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे। गट्टे की सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह सॉफ्ट गट्टे की सब्जी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।